الله، الله، الله،, الله 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 الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. वनशद् मोहम्मद अब्दू व रसूल मोजुद्द खुवातिन वह आसान फहम कुरान की एक और नशिस्त में आप सभी का इस्तकबाल है ये क्लासेस जिनका नाम कुरान क्लासेस है इनको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू और क्यों ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है किन लोगों के लिए हैं ये सारी बातें हल्के हल्के हम जानेंगे पता करेंगे सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए ये क्लासेस हो रही हैं ये क्लासेस कितने दिन चलेंगी किन लोगों के लिए होंगी तो पहली बात ये क्लासेस सिर्फ बीस क्लासेस ये बीस क्लासेस का बीस कक्षाओं का एक लघु पाठ्यक्रम है बहुत छोटा सा ब्रीफ तो आप में से जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि बहुत हफ्ते और महीने के लिए हम एंगेज हो जाएंगे अपने दिमाग से ये बात निकाल दें सिर्फ ये बीस कक्षाओं का एक लघु पाठ्यक्रम है ट्वेंटी चैप्टर्स ओनली ट्वेंटी क्लासेस ओनली दूसरी बात ये बीस क्लासेस तो का मकसद क्या है, गोल क्या, है? इन 20 classes से हमें क्या फायदा होगा या होना चाहिए पहला कुरान की इन क्लासेस या इन कक्षाओं का उद्देश्य क्या है गोल क्या है पहला गोल है हिंदी भाषा के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर कुरान के शब्दों को समझना यानी कि हमारी इन क्लासेस का इन कुरान क्लासेस का पर्पज है गोल है कि हिंदी भाषा का कर प्रयोग करते हुए हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हुए कुरान के शब्दों को समझना कुरान के शब्दों को समझना मुफ्ती नहीं बनाना मौलवी नहीं बना रहे कुरान के जो शब्द हैं उनको समझना और मीडियम क्या होगा हिंदी कुरान के शब्दों को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में उर्दू लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सा मटेरियल है मगर प्योर हिंदी लैंग्वेज में समझने के लिए मटेरियल कम है तो ये कोशिश है कि लैंग्वेज ऑफ द जो भी भाषा होगी समझने की वो भाषा होगी हिंदी तो ये तो हमने बता दिया आपको क्या मिलेगा जो चीज मिलनी है वो कैसे मिलेगी उसके लिए आपसे यदि आप वास्तव में रियलिटी में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम कॉपी और पेन निकालने का अनुरोध करता हूं अभी निकालिए ये क्लास ऐसी होनी चाहिए इंटरक्टिव क्या होनी चाहिए इंटरेक्टिव मतलब मैं यहां से कोई बात बोलूं आपके पास कॉपी रखा हो पेन रखा हो उसका कोई जवाब लिखना हो तो आप लिखें या कोई ऐसा जवाब लिखना हो जो यूट्यूब के ऊपर या किसी और फोरम पे चैट्स में कहीं लिखना हो तो यह क्लास हमारी कैसी होगी इंटरेक्टिव मैं जो भी बोलूंगा जो भी सवाल करूंगा उसका जवाब आप कॉपी में लिखेंगे या यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे तो वास्तव में अगर रियलिटी में अगर पुराना समय चाहते हैं तो आपसे आप, आप कॉपी निकाल लीजिए अपनी पेन निकाल लीजिए जल्दी से निकालिए ना देर क्यों लगा रहे हैं निकाल लीजिए और जो भी कक्षा के दौरान पूछे जाएंगे सवाल जो भी वो लिखिए वहां पर क्यों लिखे मैं तो देख नहीं रहा हूं ना कौन देख रहा है हमें याद रखना चाहिए कोई देखे ना देखे अल्लाह हमें देख रहा है इन क्लासेस के दौरान आप और हम कितने सीरियस हैं ये कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है कौन देख रहा है अल्लाह देख रहा है और कुरान कहता है ये अल्लाह तला ने तिरन कातबीन को मुतयन कर दिया है वो नोट करके लेके जा रहे हैं आपका क्या एक्शन है आपका क्या अमल है आपका क्या रद्द अमल है इन क्लासेस के बीच में क्या आप लेटे हुए हैं क्या आप सो रहे हैं क्या आप सीरियस हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो शुरू करते हैं फिर सबसे पहला सवाल पहला सवाल है कुरान क्या है मेरा सवाल आपसे आपसे और आप सबसे निकालिए अपनी कॉपी पेन कुरान क्या है उसका आंसर लिखिए या फिर YouTube पर अगर देख रहे हैं या हमारे ऐप पर देख रहे हैं तो वहां पर कमेंट्स में लिखिए कुरान क्या है क्या है कोई कहेगा अल्लाह की किताब है और कुछ लिखिए नहीं लिखेंगे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे नहीं सीख पाएंगे और क्या है कुरान क्या है कोई कहेगा किताब हिदायत है किताबे और बहुत से आंसर्स आ सकते हैं कुरान क्या है अल्लाह की किताब है किताब हिदायत मेरा अगला सवाल इस पे ध्यान कीजिए आपके लिए कुरान क्या है इस पिछले सवाल में आपने बताया था कुरान क्या है किताब हिदायत है क्या है कुरान किताब है कुरान कहता है खुद नास है इंसानों के लिए हिदायत है हिदायत का मतलब क्या होता है गाइड बुक गाइड किसी पहाड़ पर ऊंचाई पर जा रहे होते हैं कार ड्राइव कर रहे होते हैं ड्राइवर को बहुत से इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं स्टीप टर्न यहाँ पे स्पीड इतनी रखनी है स्पीड इससे कम रखनी है आगे रोड शंकरा है आगे स्पीड ब्रेकर है तो उस ड्राइवर को वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं जिस उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद पल पल वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा जिससे वो पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच जाएगा वो थी गाइड या आप चाइना घूमने गए वहां एक चाइना का लोकल बंदा लेंगे जिसे वहां की भाषा और वहां की चीजें आती होंगी वो आपको बताएगा वो कहलाएगा गाइड अभी आपने कहा कुरान हमारे लिए हिदायत है हिदायत है गाइड है ये तो कुरान का स्टेटस है कि कुरान हिदायत है गाइड हमारे लिए क्या है स्टेटस आपके लिए कुरान क्या है ये सोचने वाली बात क्या आपके लिए वाकई में कुरान है किताबें हिदायत है तो फिर मुझे बताइए पिछले चौबीस घंटे में आपने उससे क्या हिदायत ली पिछले एक हफ्ते में आपने उससे क्या हिदायत ली पिछले एक महीने में एक महीने में आपने कुरान से क्या हिदायत ली पिछले एक साल में आपने कुरान से क्या हिदायत ली कुछ तो फिर आपके लिए कुरान किताब हिदायत नहीं है सॉरी टू से बड़ी माजरत के साथ कुरान तो है अल्लाह की किताब है किताब हिदायत है मगर जब आप उसने उस, आपने पिछले चौबीस घंटे में उससे कोई हिदायत नहीं ली आपने पिछले एक हफ्ते में एक महीने में एक साल में दस साल में पूरी जिंदगी में उससे कोई हिदायत ही नहीं ली तो फिर आपके लिए वो तो किताब हिदायत नहीं है आप कहेंगे लिए मेरा पहला सवाल जिस किताब से आपको हिदायत लेनी है वो किताब आपसे पढ़नी तो आती है ना सब लोगों से जब समझनी नहीं आती जब उस किताब को समझते नहीं तो उससे हिदायत कैसे निकाल सकते हैं यानी कि हम में से वो लोग जो ये कह रहे हैं कि कुरान किताबें हिदायत है मेरे लिए भी है लेकिन कुरान की भाषा उनसे नहीं आती है वो झूठ बोल रहे हैं उन्होंने कुरान को अपने लिए किताब हिदायत नहीं माना है क्योंकि उन्होंने उससे हिदायत नहीं ली है उन्होंने सेकेंडरी सोर्सेस से हिदायत ली अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं ये पहले क्लियर हो गई बात कुरान तो किताब हिदायत है लेकिन मैंने उसे अपने लिए किताब हिदायत नहीं बनाया है तो अगला सवाल कुरान को क्यों भेजा व्हाई हैज बीन कुरान कुरान को क्यों भेजा गया क्यों भेजा गया अगर आप मुसलमानों की हालत देखें तो इसलिए भेजा गया तावीज बनाया जाता हूं ताकों में सजाया जाता हूं हम कुरान से तावीज बना रहे हैं पता नहीं वो कुरान से होते हैं बरकत के लिए कुरान को पढ़ रहे हैं कि रोज फला सूरत पढ़ेंगे तो बरकत रहेगी कुरान आया था हिदायत के लिए और खुद कहते भी हैं कि कुरान हिदायत की किताब है लेकिन कुरान से यूज क्या हो रहा है कुरान का प्रयोग क्या हो रहा है कि रोज इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि बरकत रहे कोई मर जाए तो उसके लिए पढ़ा जाता है नया घर बनाया है कुरान खानी के लिए पढ़ा जाता है इनमें से एक भी पर्पज़ कुरान ने मैंशन नहीं किया कुरान ने इनमें से एक भी परपज पर मैंशन नहीं किया कुरान ने बताया किताब हिदायत आया क्यों है? आया इसमें इन दो अल्फाज पर गौर कीजिए कुरान कहता है ये किताब उनहूलई का मुबारकुल्बरू आयाती वह नाहू हमने नाजिल किया है इसको हमने उतारा इले का आपकी तरफ यह आप पे नाजिल होता है मुबारक बरकत वाली तो है लेकिन लियत दबरु ये बरकत उन्ही लोगों के लिए है लियत दबरु आयाती जो क्या करते हैं चिंतन मनन करते हैं इसकी आयात में कुरान की आयात में गौर वफिकते हैं वलियत और अकल वाले ही लोग अकल वाले लोग क्या करते हैं इससे नसीहत ले लेते हैं दोबारा सुन लीजिए और, और किताब हमने उतारा है आपकी तरफ बरकत वाली तो हम भी मान हैं बात है अगर ये आयत यहीं पर ही खत्म हो गई होती तो कुरान सिर्फ बरकत की नहीं होता और बरकत हम पाते रहते उस असल में आयत कंटिन्यू हो रही है उसकी बरकतों को सिर्फ वही गेन कर सकता है उसकी बरकतों से सिर्फ वही फायदा उठा सकता है जो कुरान के अंदर चिंतन मनन गौरव फिक्र गौर विक्र करेगा जो कुरान के अंदर गौरव फिक्र करेगा यह दबरू आया आगे बाब, और जो अकल वाले हैं वो अकल वाले हैं वही इसमें विक्र करेंगे इससे नसीहत करके चीज़ें गेन कर लेंगे हमने दुनिया में हमने बड़े क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं कि वो अकल वाला है वो अकल वाला है वो अकल वाला है अल्लाह ताला कह रहा है जो इस किताब के अंदर गौर फिक्र करता है अकल वाला हुआ है और कोई नहीं है वो है वाला तो आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला के क्राइटेरिया में अल्लाह ताला के पैमानों पे अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में आपको और मुझे अकल वाला रखा जाए तो फिर इस किताब के अंदर चिंतन मनन गौरव फिक्र करना शुरू करें गौर और फिक्र चिंतन मनन जब तक नहीं हो सकता जब तक इसकी भाषा नहीं सीखेंगे आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे और खुश हो जाइए आप ले मुबारकबाद है कि ये ये क्लासेस बीस लघु बीस शॉर्ट क्लासेस इसीलिए हैं ताकि आप कुरान की भाषा का बहुत सा हिस्सा सीख जाए अब अगला सवाल खड़ा ये होता है कि ठीक है हमें समझ में आ गया पहली बात अगर यहां से देख लें कुरान किताब हिदायत है हिदायत है दूसरा चिंतन मनन के लिए आइए गौरव फिक्र के लिए आइए बहुत अच्छी बात तो फिर उसको समझना पड़ेगा ना भाई समझना तो बहुत भारी है बचपन से यही हमारे कान में पड़ा है कुरान सुनना मुश्किल, समझना मुश्किल है कुरान समझना मुश्किल है तो आप बताइए आप लिखिए जरा कुरान समझना मुश्किल है या आसान है लिखिए यूट्यूब पे वो देख रहे हैं वो उसके अंदर लिखिए मुश्किल है या आसान है दो ही आंसर हो सकते हैं कुछ लोग लिखेंगे मुश्किल और कुछ लोग लिखेंगे आसान तो मेरा सवाल यह है जिन लोगों ने यह लिखा है कि आसान है कुरान समझना आसान है क्या वो सब समझ गए आपने लिख दिया आसान है मगर उसको समझने की कोशिश नहीं करी और जिन लोगों ने मुश्किल लिखा है उन्होंने तो मुश्किल ही जान लिया है कुरान के भेजने वाले जो अल्लाह है उससे ही पूछ लेना कुरान मुश्किल है या आसान देखिए सूरत नंबर चौवन आयत नंबर बत्तीस कुरान और इसी सूरत के अंदर तीन बार और कुरान क्या कह रहा है और अलबत् तहकीक हमने कुरान को आसान कर दिया है अल्लाह है चैलेंज करके पूरी ह्यूमैनिटी को पूरी इंसानियत को और अलबत् तहकीक और अलबत् तहकीक हमने इस कुरान को आसान कर दिया है काय के लिए पढ़ने के लिए समझने के लिए याद करने के लिए हिस्स करने के लिए गौरव फिक्र करने के लिए चिंतन वर्णन के लिए तलीख़ के लिए समझने के लिए समझाने के लिए याद करने के लिए याद कराने के लिए तो देखिए कुरान कह रहा है जब अल्लाह कहता है कि ये आसान है कौन आसान है कुरान आसान है तो हम इसे अभी तक क्यों नहीं समझ पाए सवाल यह हम क्यों नहीं समझ पाए आप कहेंगे किसी ने दिखाया नहीं आप कहेंगे अरबी हमारी भाषा नहीं तो इंग्लिश भी कभी आपकी भाषा चलिए हिंदी उर्दू हम बोलते हैं सीख ली इंग्लिश ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि अंग्रेजों से अच्छी बोलते हैं ना इंग्लिश मीनस तो ये कहते सीख गए तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुरान भारी है कुछ लोगों ने खबर सुन उठाई है कि कुरान को समझना मुश्किल है उनके लिए तो ये जवाब हो गया कि आप उठा के देख लीजिए कुरान कहता है कुरान आसान है तो हमने क्यों नहीं समझा इसको जबकि हमने इंग्लिश सीख ली या और कोई लैंग्वेज अब तो फ्रेंच का कल्चर भी है फ्रेंच भी सीख ली इसका कारण है इसका रीजन है कुरान के प्रति हमारा दृष्टिकोण मतलब कुरान की तरफ हमारा रवैया हमारी प्राथमिकताएं प्रायोरिटी हमारी तरजीहात गड़बड़ हैं इसको समझिए कुरान आज तक नहीं सीख पाए क्योंकि कुरान सीखने की तरफ हमारा रुझान नहीं है रुझान इस वजह से नहीं है क्योंकि वो तरजीह है कहीं नहीं और कुरान कहता है बल तो उस अनून हयात दुनिया बल्कि तुम्हारा रोग यह है तुम्हारी बीमारी है कि तुम इस दुनिया की बहुत कम पीरियड की जिंदगी जो है जो खत्म हो जाएगी इसको तुमने प्रायोरिटी पर डाल रखा है छोड़ने को नहीं करा कुर प्रायरिटी ठीक कर दो ये दूसरे नंबर पर रहेगी जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है कि बाद वाली जिंदगी बेहतर भी है ख़त्म भी नहीं होगी यहां दुनिया में किसी को बादशाह मिल जाए एक लाख साल की उसे एक लाख साल का जीवन भी मिल, और मिल जाए और ऐसी बादशाह मिल जाएगी किसी को नहीं मिली फिर भी मर तो जाएगा ना खत्म तो हो जाएगी और उसे फिर कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिले और कभी ना खत्म होने वाली बादशाहत मिले तो कौन सा, तो तो सा फैसला बेहतर है कौन सी चीज चुनना बेहतर तो चॉइस आपकी है कि हमेशा हमेशा की जिंदगी को चुन डालिए उसकी कामयाबी को चुन डालिए या यहाँ थोड़ी सी कामयाबी को चुन डालिए कामयाबी तो यहां पर भी मिलेंगी और बीच में बात आती रहेगी अब देखिए जरा हमने कुरान सीखा क्यों नहीं लिखिए इस सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं आपसे लिखिए अपनी नोटबुक में या यूट्यूब के ऊपर लिखिए हमने कुरान करीम क्यों नहीं सीखा यह तो आ गया इसका दृष्टिकोण एक्चुअली शर्म के साथ ही कहना पड़ रहा है कुरान करीम सीखना और समझना इस काम को हम कम डिग्निटी वाला काम कम हैसियत का काम समझते हैं, हमें माफ करे। ये कम है अल्लाक बच्चों कैसे मिजाज हैं आपके अगर आप टी आई क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब परामा सैद अब्दुल्ला तारिक साहब के चैनल पर दर कुरान की बेहतरीन वीडियोज़ मौजूद हैं आप उन वीडियोज़ के ज़रिए से अपने इल को बढ़ा सकते हैं और कुरान की गहराइयों को भी समझ सकते हैं लिहाजा आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें उन वीडियोज़ को ख़ुद भी देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें जजाक वो खैर जज़ाबारा फ़िर आपके बीच सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और उसे सिखाता है ये असल, बुखारी हदीस जितने भी लोग मौजूद हैं सात सौ करोड़ लोग हैं इस वक्त जमीन के ऊपर उन में सब में सबसे बेहतर हुआ है सबसे बेहतरीन हुआ है, लगी लगी है। सबसे अच्छा हुआ है कौन है जो कुरान सीखे देखिए कुरान सीखता है जो कुरान को सीखता है और उसे सिखाता तो आप में इससे बेहतर वो है देखिए यहां मेंशन का है कि किसका करा जा रहा है पहले नंबर पे मेंशन करा जा रहा है किसका सीखने वाले का अल्लाह ताला का क्राइटेरिया भी बड़ा अजीब है जो कुरान करीम सीखने के लिए लग जाए वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और उसके बाद कोई दूसरा बेहतरीन कौन जो सिखाए देखिए पे पढ़ना पढ़ाना नहीं लिखा है इफ करना कराना नहीं लिखा है ये भी आते हैं सीखना सिखाने की बात हो रही है कुरान में कुछ है जिसको सीखना पड़ेगा जिसमें पॉन्डरिंग करनी पड़ेगी अभी पीछे बात आई थी ना कुरान क्यों आया है पॉन्डर करने के लिए इंग्लिश का वर्ड है पॉन्डर और उसको कहते हैं और फिक्र गौर फिक्र चिंतन मनन देखिए आप एक अखबार पढ़ते हैं आपने एक अखबार लिया उसकी रीडिंग करी खत्म करी अगली खबर को पिछली खबर से नहीं जोड़ते कोई नया मतलब नहीं निकालते ये होती है सिंपल रीडिंग पॉन्डर क्या होता है मैथ्स की किताब मैथ्स की बुक आपने पीछे पढ़ा आगे पढ़ा उन दोनों को मिला के तीसरी जगह पहुंच गए और उससे एक नया मतलब निकाला तो कुरान के अंदर कुरान के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किताबुल्ला का मुबारक बरू आया जैसे पौड्रिंग करी जाती है मैथ्स की किताब में साइंस की किताब में कंसेप्ट ऐसे ही पौन्ड्रिंग होती थी गौर और पांड्रिंग तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए तो बात क्लियर होती चली जा रही है हल्के हल्के अगर गौर करें हम शुरुआत करते हुए कुरान किताब है, हिदायत है क्या है जी कुरान किताब है, हिदायत पहली बात दूसरा इसकी भाषा सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज तीसरी लैंग्वेज क्या है आसान और चौथा बेहतरीन काम अब आपके सामने कुरान हिदायत है इससे हिदायत नहीं लेंगे तबाह हो जाएंगे इससे हिदायत लेने के लिए इसकी भाषा को सीखना पड़ेगा पड़ेगा इसकी भाषा और, भा, और उसके बाद उसमें चिंतन मनन करना है लियत दब्बरू आ जाती है और उसकी भाषा बहुत आसान है वो लकत यदत के और बेहतरीन काम है खैरकुमन तकना वालम ये सारी बातें आपके सामने आ गई अब चलते हैं आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है इफ वी फेल टू प्लान अब हमें पता चल गया कि कुरानी करीम हमें सीखना है तो उसके लिए हम क्या करें? अगर सीखने का प्लान नहीं बनाएंगे तो असल में हम नहीं सीखने का फेल होने का प्लान बना रहे हैं तो क्या प्लान बनाए उसके लिए हम समझ लें कि अरबी भाषा सीखना, कोई लैंग्वेज सीखना और के लायक, समझने लायक सीखना, दो डिफरेंसेस हैं आई ओन है? डिफरेंसेस को देख ले तीन फर्क है पहला फर्क देखिए हम जब सीखेंगे इसमें ज्यादा जोर देंगे हम कुरान सुनने, पे और पढ़ने पे। सुनने पर और पढ़ने पर सुनने पर और पढ़ने पर बोलना और लिखना हमारी टारगेट लिस्ट में नहीं लेकिन जब कोई भाषा सीखी जाती है मान लीजिए आपको आज फ्रेंच सीखनी है तो सुनने पर भी ध्यान देना पड़ेगा पढ़ने पर भी बोलने पर भी और लिखने पर यानी कि हमें सिर्फ दो चीजों पर मेहनत करनी पड़ेगी होमवर्क भी दो चीज़ों से रिलेटेड होंगे यानी कि दिमाग पर भी बोझ कम पड़ेगा जब हमें सिर्फ दो फैकल्टीज दो चीज़ों को यूज करना है दूसरा फर्क इंपॉर्टेंट देखिए सुबह से शाम तक जो नमाज पढ़ते हैं वो चौबीस घंटे अल्लाह ताली से बात कर रहे होते हैं प्योर अरबिक लैंग्वेज में नमाज में अल्लाह से बातचीत तो होती है ना कुछ लोगों की तो होती है सबकी होनी चाहिए सलातुम में अल्लाह से मुलाकात भी होनी चाहिए थी नमाज के जरिए सलात के जरिए बहरहाल हम 24 घंटे में जो अरबी बोलते हैं कितनी अरबी बोलते हैं नमाज के अंदर अजान सुनते हैं रुकू सजदे में अस्सलाम वालेकुम इनशा माशा सोमानल्लाम कबूर असलम ये सब सीखते हैं ना यही यही अल्फाज जो हम बोल रहे हैं इन्हीं के मीनिंग हमें पता चल जाए

और हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं काय पर अल्फाज माने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ठीक है वोबलरी पर ज्यादा दूर है ये नेचुरल मेथड है लर्निंग का अब तो मॉडर्न मैथड बता रहे हैं कि जैसे चल रहा है सीखने दी बच्चा क्रिएट करता है नॉलेज को हाँ अगर हम ऐसा पढ़ाए ये लिखा हुआ है ये लफ्ज यू मिनून है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसकी ग्रामर पढ़ाऊं मैं ये गायब है जमा है मुजक्कर है महमूद है बाब इफ्त्याल से या फिर और पढ़ा दूं दूल मुजार है ये इतनी खतरनाक ग्रामर पढ़ाएंगे आप भी भाग जाएंगे कोई नहीं पढ़े और जबकि कुरान ने तो कहा है वाला कुरान जिक्र और अलबत्तः तहकीक हमने आसान कर दिया है कुरान को जिक्र के लिए तो ये तो आसान है जब आसान है तो फिर कोई ना कोई तो आसानी होगी इसकी आइए इसकी आसानी को हम देखते हैं तो सबसे पहला हिस्सा और इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका प्लान कुरान के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं कितने वर्ड पता चल जाए ना लमसम कितना करना है कुरान के अंदर टोटल लफ्ज लगभग है अठहत्तर हजार है टोटल कुरान ये जो बीस क्लासेस ले रहे हैं हम बीस अध्याय बीस चैप्टर्स ले रहे हैं

क्या ये बीस घंटे आप नहीं निकाल सकते अल्लाह की किताब सीखने के लिए अल्लाह की किताब जो हर साल चेंज भी नहीं होगी अब इमेजिन करिए बचपन से नर्सरी एल के हर क्लास में पूरे हर साल नया सिलेबस आता था हर किताब पढ़ते थे फिर हर साल नया सिलेबस नई किताब पूरी पूरी पढ़ते थे पढ़ते थे ना उसके टेस्ट भी देते थे और उसमें पास भी होते थे अल्लाह ने एक ही किताब दी है जो कोई और नई किताब नहीं आएगी उसके अंदर नए वर्ड्स सब्जेक्ट नहीं होंगे ये एक ही किताब है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली वर्ड सिक्स हो गए क्या बीस घंटे नहीं है आपके पास अगर बीस घंटे भी नहीं है तो फिर अपने गिरबान में झांक के देखें किस ईमान की बात करते हैं फिर अपने गिरबान में झांक के देखें किस मुंह मूस रसुल्ला के पास मुलाकात का उम्मीद रखते हैं जिस किताब के रसूल रसुल्ला टीचर बन के आए हम उस किताब के स्टूडेंट बनने के लिए तैयार नहीं है और स्टूडेंट बनना तो छोड़िए अपनी जिंदगी में से बीस घंटे निकालने के लिए तैयार नहीं है कॉपी पेन यूज करने के लिए तैयार नहीं है तो ये तो फिर चेक करना पड़ेगा कि रसूल की उम्मत में हैं भी है समझते भी है नहीं फिर कुछ ईमान का कुछ हिस्सा बचा भी है तो कुल अगर बीस घंटे हम लगा लेंगे सिर्फ ट्वेंटी आवर्स तो चालीस हजार शब्द आ जाएंगे समझ में जिससे कुरान किताब हिदायत है वो कुरान की भाषा समझ में आ जाएगी कुरान में चिंतन मनन कर पाएंगे और उससे गाइडेंस ले पाएंगे और जिंदगी बदल जाएगी तो हमारा पाठ्यक्रम पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है हमारा सिलेबस भी क्या है बुनियादी कुछ नया नहीं एक शब्द नया नहीं जो आपको नमाज याद है अलहमदिल्ला सबको याद होगी बच्चों को बड़ों को जो आपको नमाज याद है सिर्फ उन्हीं के अंदर आने वाले एक एक लफ्ज का मान आपको सिखा देंगे हम तो कुरान उसी सिखाने के सफर में पुराने करीम के बीस हजार से ज्यादा और चालीस हजार से ज्यादा आप सीख जाएंगे इन तो फिर एक बार जोर से अलहमदुल्ला कहिए अलहमद <laughs> लाला अल्लाह का शुक्र अदा करें और लग जाइए कॉपी पेन निकाल लीजिए शैतान को बीच में नहीं आने दे। देखिए कोई अच्छा काम आपका सबसे बड़े दुश्मन आपके चाचा नहीं है आपके ताया नहीं है आपकी खाला फूपो दादा दादी नाना नानी पड़ोसी दोस्त नहीं है आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिसको कुरान ने कहा है वो शैतान हमारी प्रॉब्लम यह है हम इंसानों में अपने दुश्मन ढूंढते रहते हैं ये सबसे बड़ा दुश्मन है उनके बारे में जन पाले बैठे होते हैं ये तो मुझसे नफरत ही करता है कुरान ने कहा है इन नबाद जन बहुत सी बदगुमानियां गुना होती है तो हम गौर करें सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान है क्यों है पता वो हमें कुरान से रोकता है अगर आप कुरान की तरफ आ गए आप कुरान से जुड़ गए तो आप तो कामयाब हो जाएंगे शैतान के किसी भी अटैक को आप डिफेंड कर लेंगे क्योंकि उसकी जितनी प्लानिंग्स हैं उन सबका सोल्यूशन कुरान ने दे रखा है तो शैतान इतना स्मार्ट है पता है बहुत स्मार्ट है एक्सपीरियंस भी है हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम तब से लोगों को गुमराह कर रहा है और बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास तो इतना स्मार्ट है वो आपसे कहता है रोज पढ़ते रहो एक एक पारा दो दो पारा पढ़ते रहो आधा रुको एक, एक खूब रोज पढ़ो समझना मत तुम रोज पढ़ते रहो नमाज जमाज से भी पढ़ो जाके इमाम साहब भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर फजर के अंदर दो रुकू पढ़ रहे हैं एक पहली रकत में एक दूसरी रकत में मगरिब में पढ़ रहे हैं ईशा में पढ़ रहे हैं मगर ना इमाम साहब की कुछ समझ में आ रहा ना जो पीछे मुख्तिक खड़े हैं उनकी समझ में आ रहा फजर की नमाज दो रकत इमाम साहब पढ़ रहे हैं सुबह उठते ही मैसेज मिलना था अल्लाह ताला तला आज का तेरा मैसेज है वो शैतान ने समझ ही नहीं, नहीं दिया तो शैतान चाहेगा कि आप ना कॉपी यूज करें ना पेन यूज करें ना इस क्लास को कंटिन्यू करें आप उसको भगा दीजिए उसको भगाइए और आगे बढ़ जाइए पहला पहला अध्याय पहला पार्ट है हमारा ये आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे शैतानी थे सबसे पहले शैतान से शरण लेने यानी कि शैतान से बचने की जो दुआ है सबसे पहले आज हम वही पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे सर्वनाम पढ़ेंगे और इससे संबंधित अभ्यास करेंगे मैं यहां करूंगा आप वहां करेंगे शैतान से शरण लेने की या प्रार्थना लेने की दुआ देखिए कॉमन सेंस की बात है आप बाई उस पर कार में बैठते हैं सबसे पहले सीट बेल्ट सेफ्टी फर्स्ट बकल तो यहां पर भी कुरान पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला की सुरक्षा में पहुंच जाएं, शैतान से बचें अल्लाह की शरण में पहुंच जाए तो आप सबको पता है बच्चे बच्चों को पता है बड़े बड़ों को पता है क्या शैतान से बचने के लिए कुरान ने कहा है अजिल रजीम हम ये पढ़ते हैं सबको याद है याद है ना लिखिए फिर यस याद है जो यूट्यूब पे लिख रहा है वो अपनी कॉपी में लिखिए सबको याद यस आइए देखते हैं फिर कैसे शरण ली जाती है शैतान से कैसे बच के अल्लाह की शरण में अल्लाह की पनाह में कैसे जाएंगे ये पढ़ते हैं हम अउिल्ह इन शैतवान रजीम इसका मतलब है मैं पना में आता हूं अल्लाह की मैं पना में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मदूद है अक्सर लोगों को मीनिंग भी याद है इसका है ना याद लिखिए फिर जिन लोगों को याद है यस जिन्हें मगर अगर मैं कहूं बता दीजिए मीन का मतलब क्या है तो नहीं पता होगा मैं कह दू शैतान का मतलब बता दीजिए क्या है तो नहीं पता होगा ठीक है आइए देखिए पहला वर्ड है इसमें आउ क्या वर्ड है पहला वर्ड है मतलब कलर चेंज कर लिया देखिए पहला वर्ड है अउ्दू हमें लिखना नहीं है याद है सबको अउ्जू इस पर ध्यान दीजिए अउ्जू का मतलब है मैं पना में आता हूं क्या मतलब है मैं पना में आता हूं सबको दिख रहा है मैं पना में आता हूं चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे अउू मैं पना में आता हूं प्रैक्टिस करना पड़ेगा शैतान नहीं चाहता कि आप सीखें शैतान नहीं चाहता कि आप सीखें और आप सोचेंगे अरे मैं बाद में कर लूंगा इस वक्त तो मैं सुन लेता हूँ बाद में क्या करता है चाइनीज एक प्रोग्राम है आप सुनिए मैं I I मैं सुनता हूं मैं भूल जाता हूं आई सी आई रिमेंबर मैं देखता हूं मुझे याद आता है आई प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे याद हो जाता है आई टीच आई मास्टर तो जो साथ में प्रैक्टिस करिए शैतान को बीच में नहीं आने दीजिए और जो लोग अब बराबर में बैठे हुए हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बीच में बताने दीजिए ऐसा कोई होगा नहीं तो अऊजू का मतलब है मैं पना में आता हूं क्या मतलब है मैं पना में आता हूं यानी कि जब मैं पढ़ रहा हूं अऊजू पनाह में आता हूं यानी कि अल्लाह की पनाह में आता हूं देखिए पनाह मतलब हिफाजत अगला वर्ड है बिल्ला क्या बिल्ला देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बी प्लस अल्लाह बी का मतलब है की और अल्लाह का मतलब अल्लाह देखिए बी का मतलब हो गया की और अल्लाह का मतलब हो गया अल्लाह तो बिल्ला का मतलब हो गया कंबाइन कर दें अल्लाह की तो बिल्ला का मतलब अल्लाह की

तीन हजार से ज्यादा बार आया तीन हजार से ज्यादा बार आ आ आया है मिन ठीक है तो मिन का मतलब हो गया जी से शैतान का मतलब शैतान तो मिन शैतान का मतलब हो जाएगा शैतान से मिन शैतान का मतलब हो जाएगा भैया शैतान से भाई बिल्ला का मतलब क्या बैठ रहा था अल्लाह की और अउजू मैं पनाह में आता हूं अब मैं तीनों को कंबाइन कर लू आऊजू मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की मिन शैतान शैतान से सिंह बिल्ला मिन शैतान अच्छा जरा इस वर्ड को भी देख लें शैतान वर्ड को देखिए शैतान का मतलब एक शैतान वन सिंगलर अगर बहुत सारे शैतान हो तो उसके लिए कहा जाएगा शयातीन बोलिए मेरे साथ शैतान एक शैतान और शयातीन बहुत सारे शैतान पढ़िए मेरे साथ शयातीन बहुत सारे शैतान तो शैतान मैं पना में आता हूं अल्लाह की शैतान से अब एक लास्ट वर्ड और बचा अर्रजीम यही बचा है ना अर्रजीम का मतलब है जो मरदूद है अर्रजीम का क्या मतलब है भाई जो मरदूद है अब ये मरदूद क्या होता है <coughs> लिखिए आप जरा कमेंट्स में लिखिए या हाँ कमेंट्स में लिखिए कि रजीम का क्या मतलब है, क्या समझते हैं देखिए आसानी से याद रख सकते हैं शैतान अल्लाह की रहमत के पास है या दूर है दूर है ना जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए उसी को रजीम कहते हैं उसी को मर्दूद कहते हैं ठीक है तो रजीम का मतलब मैं पना में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूत है एक पढ़ेंगे, अलग अलग शब्द चलिए मेरे साथ पढ़िए मेरे पीछे पीछे पढ़िए अ मैं पना में आता हूँ बिल्ही अल्लाह की मिनशान शैतान शैतान से अर्रजीम, जो मरदूद है, हैजीम मैं पना में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है अच्छा ये आउज़ पढ़ लिया हमने इसको जिंदगी में कैसे लेके आए इसको आगे डिस्कशन करेंगे कुरान की हर आयतम जिंदगी में लेके आएंगे कुछ हमसे बात करें अगला हिस्सा है इसकी ग्रामर का ग्रामर में हम पढ़ेंगे अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हम तो सिंपल सिंपल जा रहे देखिए हम छह अल्फाज सीखेंगे रखें। था था। ये सबने पढ़ रखे हैं हैं देखिए जरा मैं इधर से दिखाऊं आपको हुआ हुम अना अंतुम नहन ये ये छह अल्फाज कुरान में बहुत बार आए बारह सौ बारह इन छह अल्फाज को हम सीखेंगे कैसे सीखेंगे एक नए मेथड के थ्रू मेथड का नाम है पहले मेरी बात सुन लीजिए मेथड का नाम है टीपीआई टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन हम आंखों से देखेंगे भी कानों से सुनेंगे भी मुंह से बोलेंगे भी हाथों से इशारे करेंगे दिमाग से सोचेंगे भी बोलेंगे भी यानी कि जो तमाम सेंसेस दिए अल्ला ने उन सब का यूज करें तो अब इस वक्त जो हम छह वर्ड्स पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम इशारों कैसे पढ़ेंगे इशारों से सीधे हाथ से हम जो भी इशारा करेंगे वो आदमियों के लिए होगा किसके लिए होगा आदमियों के लिए मुजक्कर के लिए होगा पुल्लिंग के लिए होगा और एक उंगली से जो इशारा होगा वो एक बचन के लिए होगा वाहिद के लिए होगा सिंगलर के लिए होगा चार उंगलियों से जो इशारा करेंगे वो बहुवचन के लिए होगा जमा के लिए होगा प्लुरल के लिए होगा ये सीधा हाथ सीधी तरफ आ गया तो ये इशारा हो जाएगा थर्ड पर्सन के लिए गायब के लिए अन्य पुरुष लिए। के लिए और अगर ये सामने की तरफ इशारा हो गया तो ये सेकंड पर्सन के लिए होगा और इस तरफ इशारा हो गया तो ये फर्स्ट पर्सन चलिए अब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इशारा करेंगे सीधा हाथ एक उंगली इमेजिन करिए तस्वुर करिए इस तरफ कोई बैठा है एक आदमी बैठा है तो आप ऐसे तो कहेंगे वो अपनी हिंदी भाषा में वो कहेंगे तो अरबी में भी वो ही कहेंगे बस अरबी में बोलेंगे हुआ चलिए मेरे साथ पढ़िए हुआ मतलब वो वो एक बैठा है उधर इमेजिन करिए एक आदमी बैठा है आपका भाई बैठा है दोस्त बैठा है एक लड़का बैठा है तो हुआ वो अब थोड़ी देर बाद देखा वहां पे चार पांच लोग बैठे हैं दो से ज्यादा बैठे लड़के तो हम ही कहेंगे ना वो सब अरबी में भी वो सब कहेंगे मगर वो बोलेंगे हम कैसे हम वो सब देखिए चार उंगली हो गई मेरी एक उंगली थी हुआ वो 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 और चार उंगली वो सब पढ़ेंगे फिर से एक बार हुआ पढ़िए मेरे साथ जो नहीं पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे बाद में कुछ नहीं होता है शैतान खुश होता है प्रैक्टिस नहीं करेंगे दो दिन बाद लगने लगेगा कि तो आ आ रहा रहा है है फिर चार दिन बाद लगेगा कि नहीं आ रहा है चलिए दोबारा प्रैक्टिस करेंगे हुआ वो हम वो सब अब सामने इशारा करना है देखिए कोई एक बैठा होगा ना तो आप ऐसे तो कहेंगे ना दु� तू अंता अरबी में अंता मतलब आप एक आदमी सीधा से शायद कर रहा हूं अंता मतलब आप अंता मतलब आप एक या तू कह लीजिए और अगर बहुत सारे लोग होंगे तो देखिए उंगली बढ़ गई मेरी चार अंतुम आप सब अंतुम आप सब ठीक है और ये अपनी तरफ मेरी तरफ अना अना मैं एक उंगली मेरी तरफ और नहनु हम सब नहनु हम सब बहुत आसान है चलिए प्रैक्टिस करेंगे हुआ वो प्रैक्टिस करिए मेरे साथ हुआ वो हम वो सब अंता आप मैं अंतुम आप सब नहनु हम सब एक बार और पढ़ेंगे हुआ वो हम वो सब अंता आप अना मैं अंतुम आप सब नहनु हम सब आप सिर्फ अब भी पढ़ेंगे हुआ ना तुम نحن एक बार और पढ़ेंगे सिर्फ अरबी सोचते हुए दिमाग पर जोर डालिए इशारा करिए इशारा जरूर कीजिए याद नहीं होगा बना हुआ हुता बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमने सीखे हैं देखिए लिखा हुआ है हुआ का मतलब वो का मतलब वो सब ये सब लिखा है ठीक है वो अब जो हमने पढ़ा है उससे मुताल कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत आसान है आप इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखिए प्रैक्टिस करनी है आपको भी इशारा करते करते हुआ हुम अंता ये पढ़े ना छह लफ्ज इन छह लफ्स को भी वापस लिख देना बहुत ज्यादा आसान अब देखिए ये देखिए लिखा है फा अरबी भाषा में फा का मतलब होता है फा का मतलब होता है पस क्या मतलब होता है फा का पस अब इनसे जो हैं हमारे इनसे पहले फायर हो गया फा हुआ तो मतलब हो जाएगा फ हुआ पस वो फा पस वो सब फाइन फा तो, तो करके ठीक है फा फा अना, फा ना। तो एक तो हमने फ सीख लिया ऐसे अरबी भाषा में वाह वाह का मतलब होता है और क्या होता है वाह का मतलब और।, और भी मतलब होते हैं अभी हम इनिशियल लेवल पे सीख रहे हैं वा का मतलब होता है और तो देखिए व हुआ वा का मतलब और और हुआ का मतलब वो तो वह हुआ हुम अंता अना वा ना। तो इसको एक बार आपको लिखना पड़ेगा नहीं लिखेंगे याद नहीं होगा इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू वोंट रिमेंबर प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं रहेगा आइए सबक नंबर इसका सवाल नंबर दो देख लें नीचे दी गए का उर्दू में तर्जुमा कीजिए ये लिखा है देखिए फहुम पहले इसमें सर्च करना पड़ेगा ये कितने वर्ड से मिलकर बना है दो वर्ड से देखिए एक तो फ और एक हुम फ का मतलब आपको पता है क्या है अभी पढ़ा है पस और हुआ वो हम वो सब तो का मतलब वो पस वो सब ठीक है अगला व नाहनू कितने वर्ड से मिलकर बना है दो व का मतलब और और नाहनू हुआ वो हम वो सब अंता आप अना मैं अंतु आप सब नाहनू हम सब वा और नहनु हम सब और हम सब ऐसे आप अरबी से हिंदी बना रहे हैं डायरेक्ट अभी एक घंटा वह नहीं पड़ता ऐसे ही वह हुआ वा का मतलब और और हुआ वो और वह वा का मतलब और और अंतुम आप सब तो देखिए और आप सब वह अंता तो वा का मतलब और अंता आप तो वा का मतलब और अंता आप तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है अब जरा इसमें देख लीजिए आप ये हिंदी में दे रखा है इधर इसकी आपको अरबी बनानी है बहुत सिंपल सा है क्या लिखा है वो सब तो वो सब के लिए तो हो जाएगा हु वो सब के लिए होगा हम ये नहीं आएगा ये आएगा खाली पस मैं।, पस मैं।, मैं के लिए आता है अना और पस के लिए फ तो फ प्लस अना पस में और आप सब देखिए और के लिए आ गया व। आप सब हुआ हूं अंतुम तो आ गया अंत आ गया पस वो तो पस के लिए आ गया फ और वो के लिए आ गया हुआ फ हुआ और लास्ट और हम सब ये और के लिए आ गया वा और हम सब के लिए आ गया नहनु क्या आ गया नहनु वा ना और हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज पूरी हो गई एक इंपॉर्टेंट बात आप सीख सकते हैं आप साल के हों या पचास साल के हों या सौ साल के हों या डेढ़ सौ साल के, आप सीख सकते सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर इमेजिन करिए तस्वीर से आपका दिमाग बना हुआ है और उसकी लगभग हर सेल की शाखे और एक सेकंड में वो ब्रांचेज पांच सौ बार एक दूसरे से मिलती हटती हैं इससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ये पूरा चैनल है मेमोरी का याद रखने का पाथवे क्रिएट होते हैं तो आपका दिमाग इतना ताकतवर है और बहुत ज्यादा कैपेसिटी है आपके दिमाग के अंदर और हम मुश्किल से अपना पांच परसेंट से पच्चीस परसेंट दिमागी इस्तेमाल कर पाते हैं पिछहत्तर परसेंट दिमाग तो हमारा खाली रहता है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए कुरान करीम सीखने के लिए आप में से कुछ लोग होंगे साठ साल के सत्तर साल के सौ साल के तो कहेंगे भाई हमारा दिमाग तो कमजोर हो गया कुछ नहीं हुआ साठ साल की उम्र तक भी सिर्फ तीन परसेंट सेल मरते हैं और नब्बे तक पहुंचने पर सिर्फ पांच परसेंट तो कोई नब्बे साल का भी है तो उसके पास पिचानवे परसेंट दिमाग बाकी है और उस पिचानवे में से करीब साठ परसेंट खाली पड़ा है तो उस खाली दिमाग को किताब सीखने के लिए उसकी लगाइएंगी और खुल जाएंगी और वरना माइंड इज वर्कशॉप अगर उसे नहीं लगाएंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाए सारी मसल्स के लिए एक्सरसाइज की जरूरी जरूरत है इसी तरीके से दिमाग के सेल्स के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरी है तो अल्लाह की किताब सीखना बेहतरीन एक्सरसाइज है

दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है दोनों जगह खसारा ही खसारा है जबकि मैं खुद भी एक मामूली मौलवी हूँ लेकिन हमें उतना इल्म नहीं था और जो कुछ भी थोड़ा बहुत इम आया वो अंदामा सैद अब्दुल्ला तारे के वीडियो से आया लिहाजा मैं तमामी हजरात से खास से, बच्चों से नौजवानों से स्टूडेंट से और बड़ों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए खुदा के लिए कुरान की तरफ रागिब हो जाए अल्लाह की किताब की तरफ हो जाए और इस मौके को हाथ से ना जाने दें वरना मेरे मोहतरम ये बहुत खसारे का सौदा होगा कि हम अगर अल्लामा की वीडियो को ना देखें लिहाजा आप तमामी खरात से फिर मुद्बाना गुजारिश है कि अल्लामा सैद अब्दुल्ला तारीख के यूट्यूब चैनल पर जाइए उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए